हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिचा सिंगल, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम जीपीसी झुंझुनू। आज हम इस लेक्चर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के टॉपिक सिंगल प्लेट क्लच के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस डायग्राम को देखिए, जो सिंगल प्लेट क्लच का डायग्राम है, इसमें इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ क्लच प्लेट है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लच प्लेट होती है, उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है। तो सिंगल प्लेट क्लच के अंदर क्लच प्लेट सिंगल यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आगे आपके मल्टी प्लेट क्लचेस वगैरह हैं, कॉर्न क्लचेस वगैरह हैं, तो मल्टी प्लेट क्लच में इस तरह की कई सारे प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। तो क्लच प्लेट है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं हम। तो सिंगल प्लेट क्लच के क्या होता है, ये एक ड्राई फ्रिक्शन क्लच है। जैसा हमें पता है क्लच हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फ्रिक्शन क्लचेस एंड फ्रूट फ्लाई व्हील। फ्रिक्शन क्लचेस हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, ड्राई क्लच एंड वेट क्लच। तो सिंगल प्लेट क्लच है वो एक ड्राई क्लच टाइप का है जो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें पावर है वो फ्रिक्शन, दो कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन है, उसके थ्रू अचीव की जाती है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका देखते हैं हम, फ्लाई व्हील। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ आपके लेफ़्ट साइड में इंजन शाफ्ट दिखाई गई है। तो इंजन शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है जो इंजन से कनेक्ट होती है। तो इंजन से पावर है वो इंजन शाफ्ट में आती है। और राइट साइड में आपको दिखाई गई है वो क्लच शाफ्ट है, ये आगे गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो पावर है वो इंजन शाफ्ट से हमें गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट तक पहुँचानी है। तो ये पावर पहुँचानी है या नहीं पहुँचानी है ये क्लच के थ्रू डिसाइड किया जाता है। क्लच जब एंगेज पोजिशन में होता है तो पावर ट्रांसमिट हो जाती है इंजन शाफ्ट से गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट तक, और जब क्लच डिसएंगेज पोजीशन में होता है तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है फ्लाई व्हील, जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है। फ्लाई व्हील होता है वो एक सर्कुलर डिस्क होती है हैवी मास की, जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ में अटैच है एक साइड में, और एक साइड में इसकी फ्लैट सरफेस होती है जो क्लच प्लेट के साथ में कनेक्ट है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, वन साइड में ये इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड है और अदर साइड में ये क्लच प्लेट के साथ में कनेक्टेड है। सेकेंड पार्ट है आपका क्लच प्लेट। यहाँ पे ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है वो क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट की दोनों साइड में, दोनों सर्फेसिस पे फ्रिक्शन लाइनिंग की हुई है। तो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है इसकी बोथ साइड्स में होती है। यह भी एक मेटल की प्लेट होती है जो इंटरनली स्प्लाइंड होती है, जो आपको नीचे दिखाया गया है इंटरनली स्प्लाइंड है ये सेंटर में, और इसके बोथ साइड में फ्रिक्शन लाइनिंग है बोथ सर्फेसिस पे। थर्ड पार्ट है आपका फ्रिक्शन लाइनिंग। तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग है वो क्लच प्लेट की बोथ साइड्स में होती है फ्रिक्शन लाइनिंग। फोर्थ पार्ट है आपका प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट है वो भी हैवी मास प्लेट है। यहाँ ब्लू कलर की लाइनिंग से दिखाया गया है, ब्लू कलर से दिखाया गया आपका प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट होती है ये भी एक हैवी मास प्लेट है। इसकी वन साइड होती है वो क्लच प्लेट के साथ में एंगेज होती है फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो क्लच प्लेट की वन साइड पे क्लच प्लेट है वो फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू फ्लाई व्हील्स के साथ कांटेक्ट में, और अदर साइड में फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू ये प्रेशर प्लेट के साथ में कांटेक्ट में है। फिफ्थ पार्ट आता है आपका क्लच स्प्रिंग्स, जो ऊपर दिखाया गया है और नीचे दिखाया गया है। तो व्हीकल के अंदर क्या होता है, छः से आठ क्लच स्प्रिंग्स होती है, वो क्लच प्लेट पर माउंटेड होती हैं। ये क्लच स्प्रिंग्स होती है, क्लच को एंगेज पोजीशन में रखने का काम करती है। ये स्प्रिंग फोर्स है प्रेशर प्लेट पे, स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करती है जिसके थ्रू प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट के साथ में कांटेक्ट में आता है, और क्लच प्लेट है फ्लाई व्हील के साथ में कांटेक्ट में आ जाती है और एंगेज पोजीशन में रहती है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ, रिलीज लीवर। रिलीज लीवर है ये फुलक्रम पर पाइवोटेड है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, गोल सा है, ये फुलक्रम है जिसके ऊपर रिलीज लीवर है वो पाइवोटेड है। ऊपर क्लच पैडल है, इसके ऊपर क्लच पैडल लगा हुआ है। तो रिलीज लीवर क्या काम करता है, ये क्लच पैडल का जो मोशन है उसे प्रेशर प्लेट तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। जैसे हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं या रिलीज़ करते हैं तो जो उसका मोशन है वो प्रेशर प्लेट पर क्या लगेगा, तो वो मोशन है वो ट्रांसमिट करने का काम रिलीज लीवर करता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्लच शाफ्ट। तो राइट साइड में आपकी ये शाफ्ट दिखाई गई है, ये क्लच शाफ्ट है। क्लच शाफ्ट है ये गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट के साथ में कनेक्टेड होती है, और ये सेंट्रल हब के पास में स्प्लाइंड है जो यहाँ दिखाया गया है। जो क्लच प्लेट थी वो भी सेंट्रली स्प्लाइंड थी, ग्रीन कलर की दिखाई गई है। यहाँ पे सेंटर में ये जो क्लच शाफ्ट है ये भी इंटरनली स्प्लाइंड है नियर द सेंट्रल हब। एट पार्ट है आपका थ्रस्ट बियरिंग।
जो रिलीज लीवर है इसके जस्ट बगल में आपके थ्रस्ट बियरिंग दिखाई देगी। तो थ्रस्ट बियरिंग है, ये क्या काम करती है, एट द टाइम ऑफ सडन रिलीज ऑफ क्लच स्प्रिंग, जैसे ही क्लच स्प्रिंग को जिस टाइम में एकदम से रिलीज़ करते हैं उस टाइम में जो एक्सेल फोर्स लगता है उस एक्सेल फोर्स का ध्यान थ्रस्ट बियरिंग रखती है। तो थ्रस्ट बियरिंग इट टेक्स केयर ऑफ एक्सेल फोर्स एट द टाइम ऑफ सडन रिलीज ऑफ क्लच स्प्रिंग। अब हम वर्किंग देखते हैं, ये सब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट थे। पहला पार्ट था फ्लाई व्हील, सेकेंड क्लच प्लेट, फिर आपका प्रेशर प्लेट है, फ्रिक्शन लाइनिंग है, क्लच स्प्रिंग्स हैं, रिलीज लीवर है, क्लच शाफ्ट है और फिर थ्रस्ट बियरिंग है। अब वर्किंग कैसे करती है ये देखते हैं। जब व्हीकल है वो रनिंग कंडीशन में होता है, जब इंजन शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपका फ्लाई व्हील उसके साथ कनेक्टेड वो भी रोटेट करना स्टार्ट होगा, और जो पावर है वो जब व्हीकल रनिंग कंडीशन में होगा, वर्किंग कंडीशन में होगा, तो क्लच है वो एंगेज्ड पोजीशन में होता है स्प्रिंग फोर्सेस के एक्शन में। क्लच स्प्रिंग्स की मदद से क्लच है वो फ्लाई व्हील के साथ एंगेज पोजीशन में होता है, और पावर है वो इंजन शाफ्ट से फ्लाई व्हील में आएगी, और फ्लाई व्हील से फिर पावर है वो क्लच शाफ्ट को भी ट्रांसमिट होती है, और क्लच शाफ्ट से ही गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट तक जाती है। इस तरह से पावर का ट्रांसमिशन होता है, फाइनली वो व्हील्स व्हीकल के व्हील्स को पावर मिलती है, और व्हीकल है वो रनिंग कंडीशन में होता है। अब अगर ड्राइवर है वो गियर शिफ्ट करना चाह रहा है या व्हीकल स्टॉप करना चाह रहा है तो उसे क्लच को डिसएंगेज करना होगा। तो ड्राइवर क्या करेगा, क्लच पैडल है उसे प्रेस करेगा। क्लच पैडल को प्रेस करने के बाद में जो रिलीज लीवर है वो प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींचता है और उसे क्लच प्लेट से दूर ले जाता है। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों कॉन्टैक्ट में थे जब व्हीकल रनिंग कंडीशन में था। अब ड्राइवर है वो व्हीकल को स्टॉप करना चाह रहा है या गियर शिफ्ट करना चाह रहा है तो उस टाइम वो क्लच पैडल को प्रेस करेगा। क्लच पैडल को प्रेस करने के बाद रिलीज लीवर है वो प्रेशर प्लेट को क्लच प्लेट से दूर ले जाता है, और इस तरह से जो क्लच प्लेट का फ्लाई व्हील के साथ में कॉन्टैक्ट है वो भी लूज़ हो जाता है, और प्रेशर प्लेट का क्लच प्लेट के साथ में जो कॉन्टैक्ट है वो भी लूज़ हो जाता है, और क्लच प्लेट का फ्लाई व्हील के साथ में कॉन्टैक्ट लूज़ हो गया, वो उससे अवे हो गया, दूर हो गया, तो पावर का ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाता है इंजन शाफ्ट से क्लच शाफ्ट में, और क्लच शाफ्ट के थ्रू गियर इनपुट शाफ्ट में पावर नहीं पहुंच पाती है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, वो ड्राइवर है वो इजीली गियर शिफ्ट कर सकता है। टाइम ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच, ड्राइवर कैन शिफ्ट गियर्स इजीली। अब वापस उसे एंगेज पोजीशन में लेके आना है तो ड्राइवर है वो क्लच पैडल को रिलीज़ कर देगा, उसे छोड़ देगा। तो रिलीज़ करने के बाद में क्या होगा, जो रिलीज़ लीवर है वो प्रेशर प्लेट को पुश करेगा, धक्का देगा, और अगेन प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगी, और क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के साथ में कॉन्टैक्ट बनाएगा, और व्हीकल रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हीकल रनिंग कंडीशन में आ जाएगा अगेन। तो इस तरह से वो ड्राइवर है वो इजीली गियर शिफ्ट कर सकता है, और सिमिलरली व्हीकल भी स्टॉप कर सकता है। तो इसकी वर्किंग के में मेन पॉइंट्स दो मेन पॉइंट्स हैं, एक एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट के टाइम व्हीकल किस तरह से रन करता है, और डिसएंगेजमेंट के टाइम में किस तरह से हम गियर शिफ्ट कर सकते हैं और व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। थैंक यू।